इस कोरोना काल में ऑक्सीजन पर मची किल्लत के बाद उत्तराखंड को भी केंद्र से ऑक्सीजन की पहली खेप के रूप में बीती रात ऑक्सीजन के रूप में 4 कंटेनर उत्तराखंड पहुंच गए। केंद्र की ओर से आवंटित 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन के देहरादून पहुंचने से कहीं न कहीं सरकार ने भी राहत की सांस ली है। टाटा नगर से विशेष ट्रेन के जरिए देहरादून के हराबारा रेलवे स्टेशन पर पहली ऑक्सीजन की खेप पहुंची। सीएम तीरथ सिंह रावत ने ट्रेन का स्वागत किया। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने केंद्र से अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्पतालों को जरूरत के हिसाब से आपूर्ति दी जाएगी। उत्तराखंड में पहली ऑक्सीजन खेप के रूप में केंद्र सरकार ने एक विशेष ट्रेन के द्वारा बीती आधी रात में 80 मैट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंचा दी है, जो उन तमाम लोगों के साथ साथ सरकार के लिए भी राहत की बात है। इस खेप के पहुंचने से कुछ राहत जरूर उत्तराखंड को मिल पाएगी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने खुद सुबह रेलवे स्टेशन पहुंचकर ऑक्सीजन की इस ट्रेन का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र से समय समय पर जरूरत कर हिसाब से आगे भी ऑक्सीजन प्रदेश को मुहैया कराई जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि जिस अस्पतालों को जितनी जरूरत होगी उसी हिसाब से ऑक्सीजन उनको दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भी ऑक्सीजन प्लांट है जिनमें ऑक्सीजन बन रही है, प्रदेश में कहीं भी कोई कमी नहीं रखी जाएगी। साथ ही उन्होंने सभी लोगों से कोविड नियमों का पालन करने का आग्रह किया। देखिए उत्तराखंड के लिए एक सौभाग्य है कि आईडी नीचे पर भाई वो कैमरा नीचे पूर्ण मात्रा में हम लोग को सप्लाई होगी और ये आज 80 मैट्रिक टन यहाँ पे पहुँचा है और ये दोनों मंडलों में हम लोग इसको भेजेंगे। गढ़वाल मंडल के अंदर भी तो टेरी में भी एक जो अपना वहाँ स्टोरेज है वहाँ जाएगा, वहाँ से ऊपर चमोली तक काशी है, साथ में कुमाऊं मंडल में भी जाएगा। लिंडे अपना यहाँ पे जो सैदपुर में है वो प्लांट, तो उसमें ये स्टोरेज होगा, जाएगा लिंडे वाले सेना पे आए हैं। और मैं कह सकता हूँ कि अब किसी भी प्रकार की ऑक्सीजन की कमी यहाँ नहीं होगी और ये लगातार लगातार बना रहेगा। आज यहाँ पे फिर पुणे जब जाएगा तो मुझे लगता है कि फिर वहाँ से ट्रेन फिर बर्फी लेके चलेगी। तो अच्छा, जहाँ कह रहे थे कि कमी, पहले तो कमी वैसे भी नहीं थी, हम लोग पूर्ति पूरी हो रही थी, लेकिन उसके बाद भी हमारी डिमांड जो थी वो आज डिमांड हमारी पूरी हुई है, भारत सरकार ने छूट दिया है। सर एक सवाल है कि गणेश जोशी का एक बयान भी आया है, कार्यकाल में उस तरह से कोविड नियंत्रण को लेकर जब थोड़ा कम हुआ तो ध्यान नहीं दिया गया। देखिए पूरी तरह से, चाहे पहले का समय हो चाहे आज का समय हो, पूरी तरह जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का 100% पालन हो रहा है। और चाहे डिस्टेंस के मामले में हो चाहे मास्क हो, मैं आपके माध्यम से बार बार कहता हूँ जनता से, इसका जरूर ख्याल रखें, अपने को स्वस्थ रखें और लोगों को स्वस्थ रखें। मास्क अवश्य पहने और साथ में डिस्टेंस बना के भी हम लोगों को रहना चाहिए। वैक्सीन बहुत बड़ी संख्या में हम लोग 18 से 45 वर्ष की आयु के नौजवानों को लगाना शुरू किया है और मैंने कहा कि उसका भार स्वयं हम लोग खर्चा उठा रहे हैं। नौजवान में बड़ा उत्साह है लेकिन साथ साथ में ये जरूरी है। सर कंटिन्यू रहेंगे इस तरीके से जो मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 18 साल से ऊपर की आयु वर्ग के लोगों का वैक्सीनेशन भी शुरू हो गया है, जिसके बाद नौजवानों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही है और आगे कोई भी आवश्यकता पड़ने पर केंद्र ने प्रदेश सरकार को पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड गाइडलाइन का हर हाल में पालन करें और कोरोना से बचने के लिए लगातार सावधानी बरतें। निश्चित ये कंटिन्यू बने रहेंगे लेकिन उसके बाद भी हमारा प्रयास है कि हमको यहीं, क्योंकि हमारे यहाँ ऑलरेडी प्लांट हैं तो ये भी एक है, लेकिन साथ साथ इसमें कोई किसी प्रकार का कोई कमी नहीं होगी, सब चलता रहेगा और अच्छा होगा कि हम कहते हैं कि यहाँ भी हो जाए तो अच्छा रहेगा। सर डेथ रेट में उत्तराखंड सबसे टॉप पे बना हुआ, खासकर हिमालय राज्य में हम टॉप पे हैं, क्या कम करने के लिए क्या कुछ प्रयास है? देखिए मैं कह सकता हूँ कि हम लोग हर तरह का प्रयास कर रहे हैं और यदि आप देखें जनसंख्या के आधार पर और अन्य उसके आधार पर, तो मैं कह सकता हूँ कि हम लोग हर तरह, चाहे वो आपका अन्य जो कोई भी आवश्यकता और केंद्र सरकार की तरफ से पूरी तरह मिल रही है और सारी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं सारे।